हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरियन पढ़ाती। आई एम योर एजुकेटर वंदना। जैसे कि कल हमने एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस किए थे चैप्टर 1 की, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज हमारे चैप्टर फर्स्ट की शुरू होती है पेज नंबर 14 से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट। तो हमें एक रिएक्शन दी हुई है और यहाँ पे चार पॉइंट्स दी हुए हैं, दैट इज स्टेटमेंट्स दी हुई है। हमें इन स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चेक करके अपने चार ऑप्शन में से एप्रोप्रिएट ऑप्शन को मार्क करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले हम एक बार अप्रोच देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच लगाएंगे। क्योंकि PbCO2 कार्बन PbO, दैट इज PbCO2 हमारे प्रोडक्ट वाली साइड है और कार्बन और लेड ऑक्साइड हमारे रिएक्टेंट वाली साइड है। बट इन्होंने चारों को कंसीडर किया है, मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं और बैकवर्ड रिएक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो हमें जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें दोनों तरीके देखने पड़ेंगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए किस चीज का चेंज हो रहा है, या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाते हुए जो हमारे सब्सटेंसेस है वो क्या चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी रिएक्शन से। रिएक्शन इज PbO प्लस कार्बन गिव्स Pb प्लस CO। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं PbO Pb में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज लेड ऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू लेड। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि लेड ऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और अगर मैं कार्बन की देखूं, कार्बन हमारा CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। ऑक्सीजन को गेन कर रहा है मतलब क्या हो रही है, कार्बन की ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम अपने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ देखते हैं, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। अगर बैकवर्ड रिएक्शन को कंसीडर किया जाए तो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। ऑपोजिट, लेड ऑक्साइड की यहाँ पे रिडक्शन थी, तो लेड की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। अगेन दिस इज रिवर्स, कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है तो CO2 की क्या होगी, रिडक्शन। तो अब हम अपने स्टेटमेंट्स की तरफ देखते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज हियर, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नो, लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सो दिस इज आवर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, CO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो दिस इज आवर इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेन। क्लियर, कम टू थर्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो इसीलिए हमारी थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी वो करेक्ट है। और अगर हमारे अपनी लास्ट स्टेटमेंट के ऊपर, दैट इज PbO लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही है, लेड ऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन, तो ये भी करेक्ट है। और हमें इनकरेक्ट चूज करना है, तो हमारे पास इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड द ऑप्शन इज ए। क्लियर, तो ऐसे हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। Fe2O3 plus 2 aluminium are given Al2O3 plus 2 Fe. What they are asking, the above equation reaction is, हमें identify करना है कि ये जो equation दी हुई है, chemical reaction दी हुई है, ये किस type की reaction है, क्योंकि you know we have 4 type of reactions, तो identify करते हैं। reaction is Fe2O3 plus 2 aluminium, clear? क्या दे रहे हैं, Al2O3 प्लस 2 Fe। सिंपल सी चीज है, रिएक्शन पे हो क्या रहा है, एल्यूमिनियम Fe को डिस्प्लेस कर रहा है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Fe। ठीक, डिस्प्लेस कर रहा है, दैट इज रिएक्शन कौन सी हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो बस हमें यही पता लगाना था कि जो गिवन रिएक्शन है वो टाइप क्या है, उस रिएक्शन का टाइप क्या है. सो द आंसर इज ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट पोर्शन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज. सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट एचसीएल इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स. टेक द करेक्ट आंसर. डाइल्यूट एचसीएल जब आयरन फिलिंग्स आर आयरन मेटल जब ऐड किया जाता है तो हमारा क्या ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा इन चारों में से. That is, जो रिएक्शन हमारी इन दोनों के बीच में होती है उस चीज को देख के हमें इन चारों में से अपने करेक्ट आंसर को मार्क करना है. ठीक है, तो पहले चेक करते हैं कि हमारी आयरन फिलिंग्स दैट इज Fe और डाइल्यूट HCl में जो बैलेंस इक्वेशन होती है वो क्या होगी. Fe प्लस 2HCl gives FeCl2 plus H2. This is our balanced equation. This is iron. This is hydrochloric acid. This is iron chloride. And this is hydrogen gas. Yes. ठीक है, तो हमें यही भी देख के पता चल रहा है कि एफई ने क्या किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया. तो बेसिकली दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्यों? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो हमारे पास अब ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन से हमारा करेक्ट ऑप्शन है. आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. दिस ऑप्शन इज फर्स्ट इज H2 एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड. दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन. Rest are Cl2 gas and iron oxide are produced. No, this is incorrect. No reaction is taking place. Yes, reaction is taking place. So this is also incorrect. Last option, iron salt and water are produced. No, this is also incorrect. So our only correct option is H2 gas and iron chloride are produced. So karte hain apna next question NCERT exercise ka. Question number 4. The question is, what is balanced chemical equation? Why should chemical reaction be balanced? तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती क्या है, हम इस चीज को समझते हैं. व्हेनेवर देयर इज अ केमिकल चेंज इन केमिस्ट्री वी रिप्रेजेंट दैट केमिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. अब वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड कैसे होगी, व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड विल बी इक्वल. तो हमारी वो जो केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी. हम एक एग्जाम्पल करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन. एग्जाम्पल इज 2H2O gives 2H2 plus O2. Okay? This reaction को, this is a chemical equation, but whether this is balanced or not, हम इसको देख लेते हैं. There are 4 hydrogen on the reacting side और product side भी हमारे पास जो number of hydrogen है वो कितने हैं, 4. Oxygen का जो number है वो कितना है, 2. Reacting side पे और product side पे भी जो हमारा oxygen का number है वो है 2. तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन प्रोडक्ट साइड आर इक्वल. सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड दैट इज रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन प्रोडक्ट. तो अब हम ये देखते हैं कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है अपनी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने. तो हमें अपनी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत इसीलिए पड़ती है बिकॉज नंबर 1 इज टू वैलिडेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास we studied in class 9. The law states that the mass of atoms on the reactant as well as on product side must be equal. या हम ये भी कह सकते हैं that the mass of the whole system must be conserved. ठीक है, तो जब हम कोई भी chemical equation लिखते हैं balance, then जो हमने पीछे example की थी, अगर हम
देखें कि ये हमारी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट करती है या नहीं। लेट्स से हमें पता है एक वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो है 18 और दो का क्या होगा 36। सिमिलरली हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। तो चार ऑक्सीजन हमारे पास प्रोडक्ट साइड में है तो मास हुआ 4। इसी तरह ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो दो ऑक्सीजन का कितना हुआ 32। सो द मास ऑन द प्रोडक्ट साइड इज 36 एंड द मास ऑन द रिएक्टेंट साइड इज ऑल्सो 36। तो मतलब हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट करती है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है रिएक्शन को बैलेंस करने की। सेकेंड पॉइंट इज जब हम अपने एक बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं तो हमें उस बैलेंस इक्वेशन से फिजिकल स्टेट्स के बारे में भी पता चलता है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड मूव। ठीक है, अब जो हमारे फिजिकल स्टेट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैसियस और एक्वस। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन से हमें इन चारों स्टेट्स के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें हीट चेंज के बारे में भी पता चल रहा है कि हमारी रिएक्शन के अंदर हीट चेंज कैसे हो रहा है, कि क्या वो हमारी हीट को अब्सॉर्ब कर रही है या हमारी हीट को रिलीज कर रही है। तो हम रिएक्शन के अंदर हीट चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब जो हीट चेंज है उसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और ये एंडो भी हो सकता है और एक्सो भी हो सकता है। क्लियर? क्लियर? तो हीट चेंज एंडो और एक्सो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो हमें बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है। वी डिड थ्री पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज टू वैलिडेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड पॉइंट इज to know the physical state of the substances and the third point is heat change. हमें heat change के बारे में पता चलता है chemical reaction में। ठीक है, तो this is all about our fourth question. तो हमारा next NCERT exercise का question है, that is translate the following statement into chemical equation and then balance it. तो हमारे पास यहाँ पे चार chemical reactions दी हुई हैं, हमें उनको translate करना है, that is उनकी chemical formulae लिखने हैं plus उनको balance भी करना है। तो पहले हम अपने फर्स्ट इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन होता है H2 प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस इज N2 एंड अमोनिया इज NH3। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए वी नो वी हैव टू मेक अ टेबल लाइक दिस। यहां पे हमें अपने एलिमेंट्स को चेक करना होता है LHS और RHS वगैरह। तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड द नंबर ऑन द एलएचएस साइड इज 2, 2। ठीक है, ऑन द आरएचएस साइड द नंबर इज 3, 1। तो हम क्या कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए, वी कैन मल्टीप्लाई हाइड्रोजन विद 3 एंड नाइट्रो अमोनिया विद 2। ऐसा करने पे क्या होगा, यहां पे भी हमारे 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे और RHS साइड भी हमारे 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं। नाउ व्हेन वी हैव मल्टीप्लाई अमोनिया विद 2 देन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैज बिकम 2, दैट इज ये भी हमारा NHS साइड और RHS साइड में इक्वल हो गया। सो दिस इज आवर बैलेंस इक्वेशन फॉर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। अब चलते हैं अपनी सेकेंड केमिकल रिएक्शन के ऊपर। सेकेंड केमिकल रिएक्शन है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्लस इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हमारी एयर के साथ रिएक्ट कर रही है और क्या प्रोड्यूस कर रही है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हम इस टेबल को इरेज नहीं करेंगे बिकॉज वी अगेन नीड दिस टेबल।
Let's write our equation. Equation is hydrogen sulfide H2S plus air that is oxygen. बिकॉज जो बर्निंग होती है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है. ये हमें दे रहे हैं वॉटर दैट इज एच टू ओ प्लस सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज एसओ टू. तो नंबर देख ले, एलिमेंट्स देखते हैं पहले कौन कौन से हैं. हाइड्रोजन है, सल्फर एंड देन ऑक्सीजन. नाउ चेक द नंबर ऑन एलएच साइड. हाइड्रोजन आर टू, सल्फर वन, ऑक्सीजन टू. अगेन ऑन आरएच साइड नंबर इज हाइड्रोजन टू, सल्फर वन, ऑक्सीजन आर थ्री. सबसे पहले चलते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिएक्टेंट वाली साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री के साथ. अब क्योंकि प्रोडक्ट वाली साइड ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, तो हमें दोनों मॉलिक्यूल्स में अपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा. जब मैंने यहाँ पे थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन का नंबर क्या हो चुका है, सिक्स. अब RHS साइड मुझे सिक्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई SO2 विद 2 एंड H2O विद 2. क्लियर? तभी हमारे जो ऑक्सीजन के नंबर है वो क्या आएगा, सिक्स आएगा. दैट इज 2 टू 4 प्लस 2 6. तो यहाँ पे भी हमारे जो ऑक्सीजन है वो कितने हो चुके हैं, सिक्स हो चुके हैं. तो अब हमारे ऑक्सीजन LHS और RHS साइड से इक्वल है. अब हम चलते हैं सल्फर. सल्फर आर ऑलरेडी इक्वल, सल्फर सल्फर आर टू ऑन द RHS साइड. क्लियर? ऑन द LHS साइड वी हैव टू मल्टीप्लाई H2S विद 2 सो दैट सल्फर एटम कैन बिकम बैलेंस. तो यहाँ पे हमने अपने सल्फर एटम को भी बैलेंस कर दिया है. अब चलते हैं अपने लास्ट एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन के ऊपर. द नंबर ऑफ हाइड्रोजन हियर आर 4 एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन हियर आर आल्सो 4. तो हमारी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई है वो है 2H2S प्लस 3O2 विल गिव 2H2O प्लस 2SO2. ठीक है, दिस इज आवर सेकेंड बैलेंस इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन. अब हम चलते हैं अपने थर्ड केमिकल रिएक्शन. दिस वन वी हैव ऑलरेडी डन इन इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 एंड द पार्ट इज 2. वहां पे हमने इस इक्वेशन को ऑलरेडी बैलेंस भी कर लिया था और इसको ट्रांसलेट भी कर लिया था. ठीक, नेक्स्ट मूव आवर फर्दर केमिकल रिएक्शन विच इज 4th. फोर्थ केमिकल रिएक्शन हमारे पास जो है वो है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर गिविंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. पोटेशियम मेटल इज के प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और हमें क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH प्लस हाइड्रोजन गैस. तो हमारे पास ये चीजें बन गई. अब हम इस इक्वेशन के अंदर अपने एलिमेंट्स का नंबर काउंट कर लेंगे. ठीक है, फर्स्टली द एलिमेंट्स आर पोटेशियम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. थ्री एलिमेंट्स वी हैव इन दिस इक्वेशन. LHS में उनका नंबर क्या है, पोटेशियम इज 1, 2, 1. और यहां पे अगर देखा जाए द नंबर इज 1, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1. सो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, दैट इज हमारे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, पोटेशियम और ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस है. तो हम इसे बैलेंस करने के लिए देखते हैं हम किन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को. हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि रिएक्टेंट वाली साइड हमारा हाइड्रोजन सिर्फ H2 में प्रेजेंट है बट प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन KOH और H2 दोनों में प्रेजेंट है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी कैन डू रिएक्टेंट वाली साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं H2O को 2 के साथ. नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर 4 ऑन एलएचएस साइड. अब RHS साइड पे भी हमें 4 करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे भी 2 करने के लिए हमने KOH को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर 4 एंड 4 इक्वल. नाउ कम टू ऑक्सीजन, 2 आर हियर, ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस हैं.
पोटेशियम यहाँ पर दो है, बट यहाँ पे एक है इन मल्टीप्लाइड ऑन एलएचएस साइड में टू, हमारी एलएचएस और आरएचएस साइड में सभी एलिमेंट्स की नंबर जो है वो इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी चारों केमिकल रिएक्शन को चेक कर लिया है, उनको बैलेंस कर दिया है। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। हमारा सिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन इज बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट इज HNO3 plus calcium hydroxide, that is COOH twice, will react to give CaNO3 twice plus H2. अब हम इसको बैलेंस करते हैं। अगेन हमें यहाँ पे एलिमेंट्स देखने होंगे, कौन कौन से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन कैल्शियम। ठीक है, ये चार एलिमेंट्स हैं हमारे पास इस रिएक्शन में। हाइड्रोजन LHS में वन, नाइट्रोजन वन, ऑक्सीजन थ्री प्लस टू फाइव, एंड कैल्शियम वन। ठीक, एंड ऑन रिएक्टिंग साइड, प्रोडक्ट साइड, दैट इज आरएचएस साइड, द नंबर इज हाइड्रोजन टू, नाइट्रोजन टू, ऑक्सीजन सिक्स प्लस वन सेवन, कैल्शियम वन। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we have to multiply HNO3 with 2. ठीक है, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन LHS साइड आर 6 प्लस 2 8. ठीक है, बट RHS में हमारे पास जो ऑक्सीजन का नंबर है वो 7 है, तो यहाँ पे हमें वाटर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ हमारा जो ऑक्सीजन है वो LHS और RHS दोनों पे बैलेंस हो चुका है। तो अब चलते हैं बाकी एलिमेंट के ऊपर। हाइड्रोजन यहाँ पे टू है, हाइड्रोजन यहाँ पे फोर है, सॉरी, और हाइड्रोजन हमारे प्रोडक्ट वाली साइड भी फोर है, क्लियर, तो ये बैलेंस। नाइट्रोजन यहाँ पे टू है और यहाँ पे भी टू है, तो ये भी बैलेंस। ऑक्सीजन वी हैव ऑलरेडी बैलेंस दिस। कैल्शियम यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, तो ये भी हमारा बैलेंस। तो दिस इज आवर फर्स्ट बैलेंस इक्वेशन फॉर नंबर वन। अब चलते हैं सेकेंड हमारी इक्वेशन के ऊपर। सेकेंड इज NaOH प्लस H2SO4 रिएक्ट्स टू गिव Na2SO4 प्लस H2O। अब हम देखते हैं कि ये हमारी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो हमें इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को भी बैलेंस करना होगा। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, सो वी विल राइट द इक्वेशन हियर। द इक्वेशन इज NaOH प्लस H2SO4 विल गिव Na2SO4 प्लस H2। ओके, सेम स्टेप, एलिमेंट्स आर Na, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। फोर एलिमेंट्स वी हैव इन दिस इक्वेशन। नंबर इज LHS में नाइट्रोजन वन, ऑक्सीजन फाइव, हाइड्रोजन थ्री एंड सल्फर वन। RHS की अगर हम देखें इनका नंबर क्या है, तो नाइट्रोजन आर टू, ऑक्सीजन फाइव, हाइड्रोजन टू एंड सल्फर वन। तो हमारे बाकी एलिमेंट्स बैलेंस है बट Na एंड हाइड्रोजन आर नॉट बैलेंस। तो हम पहले चलते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई NaOH विद टू। तो अगर हमने ये किया तो हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर क्या हो चुका है, टू प्लस टू फोर, और RHS वाली साइड नंबर इज टू, तो मल्टीप्लाई हियर विद टू, नंबर हैज बिकम इक्वल, दैट इज हाइड्रोजन भी हमारे चार हो चुके हैं LHS में और RHS में भी हाइड्रोजन हमारे चार हो चुके हैं। बाकी एलिमेंट की तरफ जाते हैं, नाइट्रोजन Na2 ऑन LHS साइड ऑल्सो इक्वल,
ऑक्सीजन 2+4 6, 4+2 6, तो ये भी हमारे इक्वल आते हैं। सल्फर 1-1, सो ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल। दिस इज आवर सेकंड बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर सेकंड पार्ट। नाउ मूव टू थर्ड। थर्ड इज सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स टू गिव सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। हमें फर्स्ट और सेकंड के सिमिलर वे में थर्ड को बैलेंस करना है। पहले हम चेक करेंगे कि हमारे एलिमेंट्स कौन से हैं और उनका LHS और RHS में नंबर क्या है। सेम चीज अप्लाई करेंगे, अगर नंबर इक्वल होगा तो नो नीड टू बैलेंस, अगर नंबर इक्वल नहीं है तो हमें बैलेंस करना होगा। तो लिखते हैं अपनी इक्वेशन को। इक्वेशन इज NaCl प्लस NaNO3 AgCl प्लस NaNO3। अब एलिमेंट्स देख लेते हैं। NaCl, द इक्वेशन इज हियर इज Ag, सिल्वर नाइट्रेट। ओके, Ag, नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। ओके, नंबर चेक करते हैं। Na1, Cl1, Ag1, नाइट्रोजन इज ऑल्सो 1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3। और RHS में इनका नंबर Na1, क्लोरीन भी 1 है, Ag में देखें Ag भी 1 है, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, वी हैव नो नीड टू बैलेंस इट अगेन। चलते हैं अपनी लास्ट इक्वेशन जो है हमारे पास बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 विल गिव बेरियम सल्फेट प्लस HCl। ठीक है, एलिमेंट्स देखते हैं कौन से हैं और फिर उनका नंबर चेक करते हैं। एलिमेंट्स आर बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड देन ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनका नंबर चेक कर लेते हैं। LHS में इनका नंबर क्या है, 1, 2, 2, 1, 4। हियर 1 क्लोरीन आर 1, हाइड्रोजन 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो हमारे ये दो बैलेंस नहीं है, बाकी हमारे सब एलिमेंट्स बैलेंस है। तो हम इजी चीज क्या कर सकते हैं, दैट इज हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम HCl को RHS वाली साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चीज हो जाएगी, तो हमारी ये पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस। दैट इज BaCl2 प्लस H2SO4 will react to give BaSO4 plus 2HCl. This is our balance equation for fourth chemical reaction. ठीक है, तो यहाँ पे हमने sixth question के चारों part को balance कर दिया है, चारों equation को balance कर दिया है। So our seventh question is write the balanced chemical equation for the following reaction. We have four chemical equation. पहले हम उनमें से दो को solve करेंगे and after solving these two, we will solve third and fourth one. The first is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 रिएक्ट्स टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर दैट इज H2। वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। नाउ एलिमेंट्स आर कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, द नंबर ऑन द LHS साइड इज 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1। RHS 1, 4, hydrogen 2 and carbon 1. So it can be seen the elements are equal on LHS and RHS side. So there is no need to balance it because this is already balanced. So अब हम चलते हैं अपनी next equation की तरफ, which is zinc plus silver nitrate will react to give zinc nitrate plus silver. तो हम इस reaction को अब solve करना शुरू करते हैं, जैसे हमने बाकी अपनी रिएक्शन को सॉल्व किया। क्लियर,
तो आर रिएक्शन इज जिंक दैट इज Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विल गिव जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस सिल्वर Ag twice. Okay. Now we will balance this. First, let's check the elements are zinc, Ag, nitrogen, and oxygen. Number is 1, 1, 1, and then 3. RH is 1, Ag 1, nitrogen 2, oxygen 6. Yes, oxygen 6. Now, फर्स्ट वी विल बैलेंस ऑक्सीजन एटम एज दीज आर हायर इन नंबर. तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई AgNO3 विद 2. व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन हैज बिकम बैलेंस्ड, 6-6 हो गए हैं दोनों साइड, हमारे नाइट्रोजन भी डबल हो चुके हैं और हमारा सिल्वर भी डबल हो चुका है LHS साइड. नाउ कम टू सिल्वर ऑन RHS, दीज आर 1, सो वी विल मल्टीप्लाई हियर विद. Now all the elements has become balanced. 1, 2, nitrogen are 2, 2, oxygen are 6, 6. So we have balanced both the equations, that is equation 1 and 2. Now we will balance third and fourth equation of question number 7. So our next question of this chapter is, write the balanced chemical equation for the following reactions. And first reaction is calcium hydroxide plus carbon dioxide will react to give calcium carbonate plus water. So let's write the reaction and balance it. Reaction: calcium hydroxide is COH twice plus carbon dioxide is CO2. यहाँ पे देख क्या रहे हैं? Calcium carbonate CaCO3 plus water H2. अब देखते हैं इनका नंबर क्या है. पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन. चार एलिमेंट्स हैं हमारी रिएक्शन. LHS में उनका नंबर 1, 4, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1. RHS में कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 एंड कार्बन 1. तो जैसे कि हमारा ऑलरेडी जो नंबर है वो बैलेंस है, दैट इज हमारी रिएक्शन की ऑलरेडी बैलेंस है, हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं. तो अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड रिएक्शन की तरफ, जो है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट टू गिव जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर. तो सेकेंड के लिए रिएक्शन लिखते हैं मैंने, जिंक दैट इज Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विल गिव जिंक नाइट्रेट दैट इज ZnNO3 twice प्लस Ag. एलिमेंट्स आर जिंक, Ag, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. नंबर एलिमेंट्स में 1, सिल्वर इज 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3. अगर हम देखें RHS में 1, Ag भी 1 है, नाइट्रोजन वी हैव 2 एंड ऑक्सीजन 6. ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे बैलेंस नहीं है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर विद 2. इससे क्या होगा, नाइट्रोजन हमारे 2 हो चुके हैं, ऑक्सीजन भी हमारे 6 हो चुके हैं, तो दीज आर बैलेंस. अब आते हैं सिल्वर. सिल्वर LHS में 2 है, यहाँ पे 1 है, देन वी विल मल्टीप्लाई दिस विद 2. जिंक यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है. नाउ द होल इक्वेशन हैज बैलेंस. ठीक है, नाउ लेट्स डू अवर थर्ड केमिकल रिएक्शन, दैट इज एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड विल रिएक्ट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर. हम इस रिएक्शन को अब बैलेंस करते हैं. पहले हम अभी रिएक्शन लिखेंगे और रिएक्शन लिखने के बाद हम उसको बैलेंस करेंगे. तो रिएक्शन इज एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड. कॉपर क्लोराइड इज CuCl2. ठीक है, ये हमें क्या दे रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 प्लस कॉपर. देख लेते हैं इनका नंबर, एल्यूमिनियम कॉपर Cl. LHS में 1, 1, 2, RHS में 1, 1, 3. तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे जो क्लोरीन है वो बैलेंस नहीं है, तो हमें अपनी रिएक्शन को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा.
तो देखते हैं किन नंबर्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के। तो क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तीन से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं दो से, मतलब पुट हियर टू सॉरी थ्री एंड हियर टू। तो दोनों साइड पे हमारे जो क्लोरीन है वो सिक्स सिक्स हो गए हैं, क्लोरीन अबैलेंस। नाउ कम टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हियर टू वी कैन मल्टीप्लाई ऑन एलएचएस साइड आल्सो वी टू, हमारे एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गए हैं। नाउ कम टू कॉपर, कॉपर एलएचएस में तीन है, RHS में एक है, मल्टीप्लाई हियर विद थ्री, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर बैलेंस। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट इक्वेशन के ऊपर, जो है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट विल गिव पोटेशियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो हम रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले और उसके बाद उसका नंबर चेक करते हैं और बैलेंस निकालते हैं। सो वी हैव बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, वी हैव डन दिस मेनी टाइम्स। पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4, इट विल गिव बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, नंबर पहले एलिमेंट देखते हैं, बेरियम क्लोरीन पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन। ठीक है, नंबर चेक करते हैं LHS में, 1, 2, 2, 1, 4, यहाँ पे इसका नंबर 1, क्लोरीन 1, पोटेशियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑल एलिमेंट्स आर बैलेंस एक्सेप्ट KCl, दैट इज पोटेशियम एंड क्लोरीन के अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स हमारे बैलेंस हैं। सिर्फ हमें LHS साइड पे क्या करना होगा, अपने KCl को बैलेंस करना होगा, देन पुट हियर 2। इसे क्या हो जाएगा, हमारे RHS पे पोटेशियम और क्लोरीन का नंबर इक्वल हो जाएगा दैट ऑफ LHS। नाउ द रिएक्शन हैज बिकम बैलेंस, दैट इज BaCl2 प्लस K2SO4 विल गिव BaSO4 प्लस 2KCl। तो हमने यहाँ पे 7 के 4 पार्ट है, चारों रिएक्शंस को हमने बैलेंस कर दिया है।